फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में। सारे सुगर स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा, स्पेशली बलरामपुर चीनी जो कि आज एफएनओ बैंड से भी बाहर निकला है, उसमें ऑलमोस्ट 7% का जंप हमने देखा है। आज इसने अपने 56 न्यू हाई को टच किया है, जो है एट दैट मोमेंट 518.80। हालांकि मार्केट क्लोजिंग में भी टाइम है, सो टिल द मार्केट क्लोजिंग ये न्यू 56 हाई भी बना सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन रशिया वॉर के रीजन से जिस तरह से शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है, एंड ऑल्दो इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग के रीजन की वजह से, यानी गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग इन डीजल एंड पेट्रोल, जिस कारण आने वाले टाइम में भी जो चीनी मिल्स है उनका टोटल रेवेन्यू और बढ़ेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। इसलिए सारे जो मार्केट के ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, उनका फोकस है चीनी स्टॉक के ऊपर। ऑल्दो सारे स्टॉक नहीं अपने 56 हाई को टच किया है, बट यहाँ से भी और ऊपर जाने का दमखम रखता है। सो वही लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनका हॉराइजन मिनिमम 4-5 साल का है, क्योंकि हम जानते हैं सुगर स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, नेगेटिव न्यूज से बहुत जल्द घटते हैं, पॉजिटिव न्यूज बहुत जल्द बढ़ते भी है। सो जिन लोगों का हॉराइजन मिनिमम 5 साल का है, जिनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, वही सुगर स्टॉक में इन्वेस्ट करें फॉर अ वेरी गुड रिटर्न, या फिर वेट करिए अगर आने वाले टाइम में ड्यू टू सम नेगेटिव न्यूज अगर इंटरनेशनल मार्केट में सुगर का प्राइस घटता है, सो डेफिनेटली स्टॉक के वैल्यूएशन भी थोड़े घटेंगे, देन आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, यानी लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग 22.77, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हालांकि स्टॉक्स जो है सारे अपने 52 हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट का 10,472 करोड़, अगर आप इसका 52 लो देखोगे 519, 52 हाई 518। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका 60 स्कोर, MFI में 80। ऑल्दो लास्ट फ्यू मंथ्स में जिस तरह से स्टॉक ने रिटर्न दिया, तो इसको MFI में ओवरबॉट होना ही था। हालांकि 80 इज नॉट दैट मच क्रिटिकल लेवल, क्योंकि RSI इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन MFI। अगर RSI में कोई स्टॉक ओवरबॉट होता है, उसे मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि MFI में 80 का जो स्कोर है, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टॉक जो 80 के करीब क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, देन आपको बाय करना ही सेफ रहेगा। अगर हम इसका रिटर्न देखें, आप देख सकते हो 1 वीक में 447 से 518 करोड़, ना सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मंथ रिटर्न 365 से 518। अगर आप इसको परसेंटेज के कैलकुलेशन से भी देखोगे, आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 26.80% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसका 3 मंथ लो देखोगे 299, ऑलमोस्ट 300 से 518, यानी इसको अगर आप परसेंट में कैलकुलेशन करोगे सो ऑलमोस्ट 70% होता है, क्योंकि 300 × 70% 210, इसको अगर आप ऐड करोगे 510, यानी 70% रिटर्न अगर कोई स्टॉक आपको 3 मंथ में देता है, तो आप सोच सकते हो, यानी इसका जो एक बहुत नीचे का बॉटम है वो 300 के करीब है। सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट जो है देयर इज अ मेनी सपोर्ट्स, जो कि 350 450 500, बहुत सारे सपोर्ट्स है। एट दैट मोमेंट अगर आपको इस स्टॉक को एक रीजनेबल रेट पे एंट्री लिया है, वो तो बनता है फ्रॉम 300 to 350, बट वहां पे जाने को स्टॉक को अभी टाइम है, क्योंकि विदाउट एनी नेगेटिव न्यूज स्टॉक उतना नीचे जाएगा नहीं। सो आपको वेट एंड वॉच करना है, एंड 450 के करीब से आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करना है। अगर आप स्टॉक का 100 day 200 day सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज देखोगे, सो एज यू कैन सी 100 day सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज 379 397 366, ये सारे यानी 350 to 400 लेवल। सो डेफिनेटली 100 डे सपोर्ट 400 के करीब है, सो डेफिनेटली 400 के करीब आपको बाय करना है। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज सारे तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सो एट दैट मोमेंट डू नॉट बाय, लेट द स्टॉक फॉल, देन आपको एक्युमुलेट करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज एंड कितना इंपैक्ट फेंकेगा वो न्यूज इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एट दैट मोमेंट बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाता है फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल। अगर हम इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, सो यहाँ से सबसे बड़ा सपोर्ट 502 496 486 481, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, स्टॉक इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन, सो 525 550, दीज आर द रेजिस्टेंस। फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएस के साथ कंपैरिजन। अगर पीएस के साथ कंपेयर करें, बलरामपुर चीनी से नंबर 1 कंपनी मार्केट कैप, सेकंड आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग जिसका मार्केट कैप भी 8000 करोड़ के ऊपर है, एंड प्राइस टू अर्निंग दोनों का सेम टू सेम है। मेरा सबसे बेहतरीन पिक हमेशा से EID पैरी रहता है, एंड इसका वैल्यूएशन सबसे सस्ता है, ऑलमोस्ट 13 का प्राइस टू अर्निंग है। देन डालमिया भारत, रामपुर शुगर, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको टॉप कंपनीज के साथ जाना है, सो डेफिनेटली बलरामपुर चीनी, EID पैरी के साथ अब रही है। उसी के साथ साथ डालमिया भारत इज माई थर्ड पिक। आई एम नॉट दैट मच बुलिश ऑन धामपुर शुगर, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयरिंग टू रेस्ट ऑफ द कंपनीज। रिजल्ट की बात करें, सो रिजल्ट्स आर वेरी गुड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हम देख सकते हैं रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन थोड़ा गिरा था, बट
इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट पे शुगर का डिमांड एंड प्राइस बढ़ा है, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में इस स्टॉक को मिलेगा एंड मार्केट इसको रिवॉर्ड दे रहा है। एंड डेफिनेटली ड्यू टू इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल इनका रेवेन्यू और बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। सो डेफिनेटली मार्केट इज डिस्काउंटिंग द फैक्टर। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम देख ले, प्रमोटर्स के पास 42% के एफआई इज वेरी बुलिश, 19% के उनके पास एडीआई के पास 16-17% एंड पब्लिक होल्डिंग 21% के ऊपर मिले जुले से स्टेक है, सभी के पास स्टेक है, यानी ऑल आर वेरी वेरी बुलिश। एंड ओवर द ईयर एफआईआई डीआई ने स्टेक को थोड़ा घटाया है, हालांकि जो डीआई का होल्डिंग है वो बढ़ा है, पब्लिक होल्डिंग घटा है। बट आने वाले डे में अगर प्रमोटर स्टेक घटता है सो डेफिनेटली डीआई ऑन एफआई एंड पब्लिक होल्डिंग और बढ़ेगा, सो एवरीथिंग इज गुड। सबसे लास्ट में ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ऑनली। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको स्टॉक के बारे में आगाह करना एंड आपको ये बताना कि कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, उसका सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको बाय सेल करना है अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेके ट्रेड करें या फिर इन्वेस्ट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।